नमस्कार। न्यूज नंबर पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। दुनिया भर में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए कवायद शुरू हो गई है, लेकिन इसमें कुछ देश ऐसे हैं जो इसके लिए खुद काम नहीं कर पा रहे। इसके लिए WHO ने एक योजना बनाई है। इस योजना का नाम है कोवैक्स। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम newsnumber.com। कोवैक्स योजना के तहत WHO अन्य देशों में इस वैक्सीन को भेजेगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत तो 42 देश ऐसे हैं जिनको शामिल किया गया है योजना के तहत वैक्सीन भेजने के लिए। घाना ऐसा पहला देश बना है जहां पर वैक्सीन की पहली खेप इसी योजना यानी कोवैक्स योजना के द्वारा ही भेजी गई है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में भी इसी योजना के तहत अब वैक्सीन भेजी जाएगी। ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन का उत्पादन भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में ही किया गया है और यहीं से ही घाना में इसकी पहली खेप पहुंचाई गई है। देर से ही सही, लेकिन पाकिस्तान में भी अब कोरोना टीकाकरण का रास्ता साफ होता जा रहा है। पाकिस्तान की इमरान सरकार अभी तक कोरोना टीके का एक भी डोज खरीद तो नहीं पाई है, लेकिन चीन ने उसे 5,00,000 डोज मुफ्त में दी है, जिसे लाने के लिए पाकिस्तान से विमान भेजा गया है। चीनी डोज के पहुंचने से पहले पाकिस्तान उस समय गदगद हो गया जब उसके लिए 1.70 करोड़ भारतीय टीके मुफ्त मिलने का रास्ता साफ हो गया। उसे कोवैक्स प्रोग्राम के तहत ये खैरात मिलने जा रही है। पाकिस्तान ने सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से तैयार किए गए टीके कोविशील्ड को ही सबसे पहले आपातकालीन मंजूरी दी, लेकिन इमरान खान की सरकार के खजाने में ना तो इतने रुपए हैं कि वो टीके खरीद सकें और ना ही इतनी हिम्मत कि भारत सरकार से टीका मांग ले। हालांकि पाकिस्तान ने इसे बैकडोर से पाने की कोशिश के तहत राज्य सरकारें और निजी सेक्टर को खरीद की छूट दे दी। पाकिस्तान का इस लिस्ट में शामिल होना काफी दिलचस्प है। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस पावरफुल देश के पास अपने लोगों को महामारी से बचाने के लिए वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं हैं। हालांकि पाकिस्तान के मंत्री अपने यहां पर छोटे से लेकर बड़े आकार के परमाणु बम होने का दावा करने से नहीं थकते हैं, लेकिन इस महामारी से निपटने के लिए उसको कर्ज के पैसों का सहारा लेना पड़ रहा है। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की 4.5 करोड़ डोज पाकिस्तान को मुहैया कराई जाएगी। पाकिस्तान सार्क का इकलौता ऐसा देश था जिसने भारत में वैक्सीन की डिमांड नहीं की थी। वो चीनी टीकों के भरोसे कोविड से अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है, मगर चूंकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस गेवी का सदस्य है, इसलिए उसे भारत में बने टीके सप्लाई होंगे। GAVI का मकसद गरीब देशों में कोविड टीकाकरण उपलब्ध कराना है। जब ये खबर आई कि पाकिस्तान को मेड इन इंडिया वैक्सीन सप्लाई होगी, तो ट्विटर पर अलग ही मौज देखने को मिल रही है। इमरान सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो इतना बड़ा खर्चा उठा सके, और भारत के साथ उसके ऐसे संबंध नहीं है कि वो टीका मांग सके। इसके बावजूद भी अगर भारत सरकार मानवता के आधार पर पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है, अगर पाकिस्तान मदद मांगता है तो, ऐसे में कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर ही ना सही बल्कि बैकडोर के जरिए यानी GAVI के जरिए ही पाकिस्तान को वैक्सीन की खेप लेकर महामारी से निपटना होगा। अब तक भारत ऐसा देश बन चुका है जिसने वैक्सीन की जो खेप है वो कई देशों में पहुंचाई है। 65 ऐसे देश हैं जहां पर ये कोरोना वैक्सीन जो है पहुंचाई गई है, जो भारत में ही निर्मित है, जिसमें मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भी कई सारे देश हैं जहां पर ये वैक्सीन अभी तक पहुँचाई गई है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो हर्ड इम्यूनिटी और दान में मिले टीकों के जरिए कोविड महामारी से निपट ले। चीनी दवा कंपनी साइनोफार्म ने पाकिस्तान को 10,00,000 डोज देने का वादा किया है। पाकिस्तान पहले से ही कंगाल है और वो अपनी आबादी के लिए टीके खरीद नहीं सकता। चीनी कंपनी कैंसिनियो की वैक्सीन लगाने के लिए हर पाकिस्तानी पर ₹2,000 का खर्च आएगा। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक पाकिस्तान कोवैक्स योजना के तहत उन देशों में शामिल है जिनको वैक्सीन की बड़ी खेप भेजी जानी है। खबर के मुताबिक WHO इस योजना के तहत मई 2021 तक 238.4 मिलियन खुराक विभिन्न देशों को उपलब्ध कराएगा। मंगलवार को संगठन ने जो सूची जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान को वैक्सीन की 4,640,000 खुराक दी जाएंगी। इसके अलावा नाइजीरिया में 13,656,000, इंडोनेशिया में 11,704,800 खुराक, बांग्लादेश को 10,908,000 खुराक, ब्राजील को 9,122,400 खुराक, इथियोपिया को 7,620,000 खुराक, कांगो को 5,928,000 खुराक, मैक्सिको को 5 लाख
532,000 खुराक, मिस्र को 4,389,600 खुराक, वियतनाम को 4,176,000 खुराक दी जाएंगी। इनके अलावा ईरान, म्यांमार, केन्या और युगांडा को 3-3 करोड़ खुराक भेजी जाएंगी। आपको ये भी बता दें कि कोवैक्स योजना में ज़्यादातर देश वो शामिल हैं जो बेहद गरीब हैं और जो अपने दम पर इस वैक्सीन को विकसित या खरीद नहीं सकते हैं। WHO की कोवैक्स योजना में भारत ने भी आर्थिक रूप से योगदान दिया है, साथ ही इस वैक्सीन का उत्पादन भी भारत में ही हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस योजना को पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लागू किया गया है। इस योजना में कई देशों ने आर्थिक रूप से सहयोग दिया है। इसको ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन का या फिर गावी का नाम दिया गया है। मंगलवार को इसके चीफ एग्जीक्यूटिव सेठ बर्कल ने कहा है कि संगठन का मकसद धरती के अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित करना है। इसके तहत संगठन जल्द से जल्द लोगों की मदद करना चाहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोवैक्स योजना के तहत एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की करीब 1.25 करोड़ खुराक भी सप्लाई करेगा, जो भारत और दक्षिण कोरिया में मैन्युफैक्चर हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का इस योजना के तहत 92 गरीब देशों की करीब 27% जनसंख्या को वैक्सीन उपलब्ध कराना है। तो भारत भी पूरी दुनिया की तरह कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन भारत के अथक प्रयासों की वजह से ही कोरोना पर काबू पाया गया, बल्कि कोरोना की वैक्सीन भी तैयार की गई। भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो कि दवा निर्माताओं में भी अब जाना जाने लगा है। इसके साथ ही भारत ने कई देशों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की जो खेप है वो दी है। हालांकि इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तक भी कोरोना की जो खेप है वो पहुंचाई जा सके। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।